हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही बेटा आप सभी को? ओके, ठीक है, आवाज आ रही है आप सभी को, है ना? वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, जल्दी आ गया मैं? अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ बच्चों, एकदम बढ़िया हूँ। आप सब बताओ कैसे हैं? स्मार्ट लग रहा हूँ ना मैं? अच्छा, इनवाइट नहीं किए? अरे यार तुम लोग एक और, अच्छा तुम लोग लाइक करो तब तक मैं इन्वाइट कर लेता हूँ, ठीक है? तुम जल्दी से लाइक करो फिर मैं इनवाइट कर लेता हूँ। तुम लोग कैसे भूल जाते हो? कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि इनवाइट करें तभी आए, है ना? ठीक है बेटा, अपना टाइम आएगा, अभी तुम लोग का टाइम है ना? तो अपना टाइम आएगा। ठीक है, इनवाइट कर दिया मैंने। और चलो जल्दी से तुम लोग लाइक करो तब तक बेटा, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ। चलो मैंने इनवाइट कर लिया, अपना काम मैंने कर दिया है ना, बाकी अब तुम लोग समझो। तुम लोग बहुत, हाँ, रूही बेटा ठीक है, भूमिका रूही अब ठीक है। ऋषभ कह रहे सर आज जल्दी उठ गए, 9 बजे। 9 बजे उठ गए थे? बहुत जल्दी बेटा, 8 बजे तो क्लास थी आपकी। प्रीमियम वीडियो अच्छे हैं, थैंक फॉर एफर्ट, मोस्ट वेलकम ऋषभ, मोस्ट वेलकम। बेटा प्रीमियम के लिए एक छोटी सी शुरुआत और हम कर रहे हैं ना, प्रीमियम के लिए एक छोटी सी शुरुआत और हम कर रहे हैं। देखो अभी 150 बच्चे यहाँ पर हैं और केवल 125 लाइक हैं। इतने नालायक हो तुम लोग, इतने नालायक हो कि बहुत है नालायक हो। बेटा एक काम हम ये करने जा रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इस बारे में। ठीक है, तो आवाज तो मेरी पहुंच रही है और आवाज क्लियर भी है मुझे लग रहा है ना। बाकी चीजें तो कल जो दिक्कत हो रही थी वो तो सॉल्व हो गई ना, कल जो दिक्कत हो रही थी वो तो सॉल्व हो गई है। एक गुबरेला भी आ गया। अच्छा बेटा प्रचार नहीं है ये, देखो 161 रुपए आप दोगे अगर, है ना, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा और मेरा कोई भला नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपके नीट के लिए जरूरी है, भले फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसमें आप ही का बेनिफिट है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यूट्यूब पे ज्वाइन करते हैं, ये सबसे लोअर कॉस्ट है, इससे कम पे यूट्यूब कुछ नहीं देता है, ठीक है। यूट्यूब पे अगर आप ज्वाइन करते हैं ब्रॉन्ज लेवल 159 में,
तो इस ब्रॉन्ज लेवल में हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, जो क्रैश कोर्स बचा हुआ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, चार चैप्टर जो बचे हुए वो मैं यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। दूसरा एनटीए का फिजिक्स का जो मॉक टेस्ट है बेटा, एनटीए फिजिक्स मॉक टेस्ट हो इसमें आपको प्रोवाइड किया जाए, पहले कुछ मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा नॉर्मली यूट्यूब पे, ठीक है। एनटीए फिजिक्स मॉक टेस्ट ये अपलोड कर दिया जाएगा। फिर बायो का मॉक टेस्ट तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन बायो में चैप्टर वाइज, बायो का एनटीए का जो टेस्ट है बेटा चैप्टर वाइज वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चाहे आप यूट्यूब पे इसको ज्वाइन कर लें या फिर आप चाहें तो neetbooster.com पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अलसबा मैं यही तो बता रहा हूँ कि 159 किस लिए, इतनी चीजें आपको मिलेंगी, जरूरी नहीं लेना आपके लिए, ठीक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, है ना, कोई कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। अच्छा हाँ, जिन बच्चों ने नीट बूस्टर पे 1999 पे करके पीसीबी ले रखा है उनको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, उनको ये मिल जाएगा अपने आप, ठीक है, उनको मिल जाएगा। और जिन बच्चों ने फिजिक्स ज्वाइन कर रखा है उनको भी फिजिक्स वाला मिल जाएगा, फिजिक्स का मॉक, उनको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, उनको ये मिल जाएगा, ठीक है। जिन्होंने पीसीबी ज्वाइन किया है या जिन्होंने फिजिक्स ज्वाइन किया है उनको जो कंटेंट है फिजिक्स वाला वो मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स के एनटीए मॉक टेस्ट के लिए उनको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया उनके लिए, ठीक है बेटा। मैं यही तो बता रहा हूं आयुष, प्रीमियम वाले में समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, चलो एक वीडियो अलग से ही बना दूंगा मैं, ठीक है। अभी हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। आज हम क्या क्या यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा, कौन कौन सी यूनिट है, जेनेटिक्स यूनिट हम यहां पर लेंगे, जेनेटिक्स हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अलावा सेल यूनिट हो जाएगी और बायोटेक, चार यूनिट के क्वेश्चन आज मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी, सूरज बेटा क्रैश कोर्स के चार वीडियो उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो चार चैप्टर बचे हैं उसके लिए मैं प्रीमियम में ही उसको कराऊंगा, ठीक है। सूरज समझ में आ गया बेटा, अगर एक ही चीज को आप बार बार रिपीट करोगे तो यहाँ ब्लॉक भी हो जाओगे आप, है ना, तो इसलिए एक ही चीज को बार बार मत रिपीट करो, मैं बता रहा हूं जिनकी क्वेरीज हैं, क्लियर है। अब 159 में भी अगर दिक्कत है तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, है ना, मतलब ये तो मजाक वाली ही बात है कि इसके बाद भी बच्चे गए कि सर हाँ चलो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आगे की स्ट्रेटजी अभी तो बताई थी बेटा 60 दिन की स्ट्रेटजी, अब क्या चाहते हो तुम लोग, हर दिन की क्या स्ट्रेटजी बताऊं कि 59 डेज की स्ट्रेटजी, 58 डेज की स्ट्रेटजी, अब 10-20 दिन और इंतजार करो, महीने भर बचेगा तो एक अलग स्ट्रेटजी उसकी आएगी, ठीक है। प्रीमियम में पीडीएफ जो है बेटा वो टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप बना दिए गए प्रीमियम के लिए, वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स और बॉयज के अलग अलग ग्रुप बना दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जो 159 नहीं देना चाहता है वो प्रीमियम ना करे, कोई जरूरत थोड़ी है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ यूट्यूब पे, दो सेशन में ले ही रहा हूँ 4 घंटे के करीब, एक 8 बजे होता है, एक 12 बजे होता है, अनुराग सर का 2:10 बजे होता है, अमृता मैम का ऐसा फ्री में मिल ही रहा है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको देना ही है, आप मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। चलो यूनिट वाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लाइक तो कर दो ना लाइक को, और प्रीमियम ज्वाइन करना जरूरी नहीं है बेटा, ठीक है, 161 रुपए आप बचा लो, है ना, इसकी तुम लोग चॉकलेट खा लेना, बर्गर खा लेना, पिज्जा तो मिलने से रहा इतने में, है ना, और ये 50 दिन की फीस है, मतलब 3 रुपए रोज में आपसे ले रहा हूं, उसमें इतनी सारी चीजें आपको, रोज एक घंटे का फीस का पेपर मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा है ना। तो चलो क्या बताया जाए, इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत होगी। साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट,
तो बेटा ये फोटो पीरियडिज्म का क्वेश्चन है। जो लिप्स होती हैं ये होती है साइट ऑफ द परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच पेयर। इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच पेयर है? इनकरेक्टली मैच पेयर, ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में इथाइलीन का पता किसने लगाया था? कजिन्स ने, ये सही है। काइनेटिन, स्कूग एंड मिलर, ये भी सही है। जिब्रेलिक एसिड, ये तो जिब्रेला फ्यूजी कोराई से मिला था। एफ डब्ल्यू वेंट, जिब्रेलिक एसिड की बात करें तो इसके लिए तो कुरुसावा है ना बेटा, कुरुसावा, कुरुसावा। और ऑक्सिन, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन, ये सही। तो सी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ द जायगोटिक सेल वुड लीड टू द बर्थ ऑफ नॉर्मल ह्यूमन मेल चाइल्ड। करें जायगोटिक सेल की कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पर नॉर्मल ह्यूमन मेल चाइल्ड का जन्म होगा? नॉर्मल ह्यूमन मेल चाइल्ड, ध्यान दीजिएगा, जिब्रेला कुरुसावा नहीं बेटा काजल, जिब्रेला फ्यूजी कोराई होता है, जिब्रेला कुरुसावा नहीं है वो, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजी कोराई। तो अगर मेल चाइल्ड की बात करें बेटा तो एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है ना, तो वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम। इसमें भी गलती मत कर देना, इसमें कहीं टू एक्स मत कर देना वरना तुम्हारा जेंडर बदल जाएगा, ठीक है, इसमें मत गलती करना वरना लिंग परिवर्तन हो जाएगा, समझ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन द, बेटा आज का जो पेपर एकदम नीट के पैटर्न का है, उसी लेवल का ये पेपर है ना, और एक्चुअली आरटीएस का पेपर है ना, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज का ये पेपर है जो मैं आपको करा रहा हूँ। मोस्ट एक्यूरेटली एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन दैट कैन रिजल्ट इन डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बताइए कौन सी कंडीशन है? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या होता है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या है? हाँ, ई कुरुसावा, जिब्रेला कुरुसावा नहीं है, तुम लोग मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो क्या होगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या है? दैट इज नॉन डिसजंक्शन, है ना, इसका कारण होता है दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान अगर नॉन डिसजंक्शन हुआ तो उस केस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग स्टोमेटल क्लोजर। करे वाटर स्ट्रेस, पानी की जब कमी होती है तो इस कौन प्रोड्यूस होता है जिससे स्टोमेटा बंद हो जाते हैं? तो इसके लिए बेटा आप जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन होता है, और जो स्ट्रेस हार्मोन होता है वो कौन है? स्ट्रेस हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आज का सुबह का पेपर तो बहुत तगड़ा था, जो एनटीए का जिन बच्चों ने किया था, आज 45 क्वेश्चन हो पाए थे केवल एक घंटे में, एक घंटे में केवल 45 क्वेश्चन हो पाए थे, तो आधा पेपर ही हुआ था आज, बहुत लेकिन बढ़िया क्वेश्चन थे। आज का एनटीए वाला जो मैंने मॉर्निंग में कराया, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो करेंगे जरूर इस पेपर को, बहुत बढ़िया पेपर था वो। चलिए, द फॉलोइंग फिगर शोज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये पेरेंटल जनरेशन है, F1 जनरेशन है, F2 जनरेशन है, ये फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए जल्दी से, ये जो फिगर आपको दिया गया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल दैट लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिविजन अंडर सर्टेन कंडीशन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल, जिनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खत्म हो चुकी, इनमें डिवीजन करने की कैपेसिटी फिर से आ जाती है, दैट कंडीशन इज नेम्ड एज, क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, इसे कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट, बिल्कुल सही है, एक जीन जरूरी होता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए,
इवन इफ ए करेक्टर शोज मल्टीपल एलिलिज्म एन इंडिविजुअल विल ओनली हैव टू एलील फॉर ए करेक्टर. बिल्कुल, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में चूंकि ह्यूमन डिप्लॉयड होता है तो एक जीन के केवल दो ही एलील मैक्सिमम हो सकते हैं. फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड जीन प्रोवाइड ओनली द पोटेंशियलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी. ये भी सही स्टेटमेंट है यहाँ पर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ये जो पॉइंट बेटा लिया गया है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया गया है, ठीक है? तो डी ऑप्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, आज के क्वेश्चन थोड़े से नए भी लग सकते हैं आपको, है ना, टेक पार्ट इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. कौन सा एंजाइम ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में इन्वॉल्व होता है? नए क्वेश्चन मिलेंगे आज आपको और बढ़िया क्वेश्चन, एकदम नीट के लेवल का पेपर है. एनटीए का पेपर तो आज नीट के लेवल का नहीं था, नीट के लेवल से बहुत ऊपर था वो, लेकिन ये नीट के लेवल का पेपर है. तो कौन सा एंजाइम है बेटा? देखिए, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों में एटीपी बनता है ना, तो एटीपीएज एंजाइम दोनों में पाया जाएगा, एटीपीएज एंजाइम हो जाएगा. करेक्ट आंसर दिमाग लगा लो, सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10, एफ नॉट एफ वन पार्टिकल, क्या कहते हैं ऑक्सीसोम. एफ नॉट एफ वन को ऑक्सीसोम कहा जाता है ना, ऑक्सीसोम पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ, ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं. और ये जो एफ नॉट एफ वन पार्टिकल है बेटा, एटीपीएज एक्टिविटी होती है, यानी एटीपी के सिंथेसिस के लिए होते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम. चलिए कॉलम मैच करते हैं. गार्डन पी, गार्डन पी की अगर हम बात करें तो मेंडल से मैच कराओगे. अंडर डेवलप ब्रेस्ट कहां पर होता है? टर्नर सिंड्रोम में. तो ये टर्नर सिंड्रोम हो गया 44+100. ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मॉर्गन फ्लाई कहते हैं. पाम क्रिस, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम यानी डाउन सिंड्रोम. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको बताने क्वेश्चन नंबर 12 के लिए. चलिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म. बिल्कुल सही है, म्यूटाजन है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस्ड इन द फैमिली बाय द पेडिग्री एनालिसिस. बिल्कुल, पेडिग्री से मेंडेलियन डिसऑर्डर के इनहेरिटेंस का पता लगा सकते हैं. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल रिजल्ट इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लॉयडी. गेन और फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, ठीक है, आगे देखते हैं. द अनमोडिफाइड एलील विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप इज द डोमिनेंट एलील एंड द मोडिफाइड एलील जनरली रिसेसिवली एनसीईआरटी में दिया है. द क्रोमोसोम विच वर डिफरेंट इन टू सेक्सेस वर नेम्ड एज सेक्स क्रोमोसोम. ये भी सही है. अच्छा, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल, अगर सेग्रीगेशन नहीं होगा, रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम. लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम, ये गलत स्टेटमेंट होगा ना, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम गलत है ना, ये फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, एक मिनट में चेक कर लूं मुझे क्यों कंफ्यूजन हो रहा है. फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड होगा बेटा यहाँ पर, है ना, ये जहां क्रोमोसोम लिखा है ना, यहाँ क्रोमेटिड होगा. क्रोमोसोम का जो सेग्रीगेशन होता है उसे तो हम कहते हैं डिसजंक्शन, जो कि पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है. तो हाँ, ये पॉलीप्लॉइडी का केस बन जाएगा. तो एन्यूप्लॉइडी दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा. तो ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट थर्ड, ठीक है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच. चलिए बताइए,
कौन सा इनकरेक्ट मैच है? ये तो क्वेश्चन बहुत कॉमन है बेटा। स्टेटिन, स्टेटिन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस क्लॉटबस्टर है, ये तो आज सुबह ही कराया था ये सही है। साइक्लोस्पोरिन है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट, साइक्लोस्पोरिन है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो इनकरेक्ट मैच डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। फोटोफास्फोराइलेशन, पहले तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन मतलब एटीपी तो बननी ही है, एटीपी तो बननी ही है। फास्फोराइलेशन है मतलब फोटोसिंथेसिस में एटीपी तो बननी है। नॉन साइक्लिक कह रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन को कहते हैं जेड स्कीम, जेड स्कीम कहते हैं, और जेड स्कीम में एटीपी भी बनता है और एनएटीपीएच भी बनता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर बेटा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, बायोसिंथेटिक फेज जानते हैं क्या होती है? बायोसिंथेटिक फेज किसे कहते हैं बेटा, जानते हैं आप इस बारे में? व्हाट इज बायोसिंथेटिक फेज? दैट इज डार्क रिएक्शन, जो डार्क रिएक्शन है इसे बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा गया कि डार्क रिएक्शन कहां पे चलती है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रेना में तो लाइट रिएक्शन चलती है, जो स्ट्रोमल मैट्रिक्स है यहां पर बेटा क्या चलेगी? डार्क रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए कॉलम मैच करने, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस नाइगर मैच करिए जरा, एस्परजिलस नाइगर क्या बनाएगा? सिट्रिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटायरिक एसिड, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी इथेनॉल, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम साइक्लोस्पोरिन और मोनेस्कस परप्यूरियस स्टेटिन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1C, 1C2D, 3A, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद CO2 एंड हाइड्रोजन आर, मतलब मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। अब इनके बारे में चार ऑप्शन आपको दिए गए, चलिए चेक करिए जरा। कॉमनली फाउंड इन द एनरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सही है। प्रेजेंट मिथेनोजेन प्रेजेंट इन द र्यूमेन पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल, ये भी सही है। ग्रोविंग एन एरोबिकली ऑन सिलोजिक मटेरियल, ये भी सही है। ये सब एनसीईआरटी में दिए गए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल करेक्ट आंसर होगा। इस पेपर को करने से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा आज, क्योंकि नीट का पैटर्न एकदम इसी तरह का होता है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू एफर्ट ऑफ IER एंड KVIC, सही है। बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, ये भी सही है। बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर, ये भी सही है। मेजोरिटी ऑफ न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस यूज एज बायो फर्टिलाइजर आर इन द जीनस पैक्लोवायरस, बायो फर्टिलाइजर नहीं है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस, बायो कंट्रोल एजेंट है, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा, डी इनकरेक्ट है बेटा। इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर, फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर, अच्छा इसमें ऑप्शन शायद छूट गए ना, ऑप्शन छूट गए, तो इसको मैं इंडिकेट कर देता हूं। चलो बता दो, फ्लैट ब्लेडेड एनसीईआरटी का फिगर है, उसका नाम भी चाहो तो आप बता दो क्या है। ये बायो रिएक्टर आपको दिखाया गया, इसमें आपसे पूछा गया फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर, हाँ तो नेमिंग मैंने इसीलिए कर दी बेटा, आप बताओ 19 में नेमिंग मैंने कर दी, तो फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर क्या है? बी हो जाएगा। ये जो बी आपको दिखाया गया, ये जो पंखे लगे हुए हैं ना, इसी को कहते हैं फ्लैट ब्लेडेड एम्पेलर। क्वेश्चन नंबर 20, If you ligate a foreign DNA at the PST1 site of the antibiotic resistance gene in the vector PBR322, the recombinant DNA will PST1 site पे ध्यान दीजिएगा। PST1 site पे अगर हम
किसी फॉरेन डीएनए को ऐड करेंगे तो क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, अगर पीबीआर 322 की हम बात करें बेटा, तो पीबीआर 322 में दो रेजिस्टेंट जीन है, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और एक है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब एमपी जो PST1 साइट है कहां पर है? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन पर। तो अगर यहां पे कट करेंगे तो जिस जीन को हम कट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए लूज द एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस, ये लूज कर देगा एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट को, इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी। अगर यहां पर टेट्रासाइक्लिन बाम H1 पे या साल1 पे कट करते तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की प्रॉपर्टी खत्म होगी। क्रैश कोर्स में मैंने डिटेल में इस बारे में बताया है। Which of the following is incorrect? Matching of element and their deficiency symptom. Incorrect आपको बताना है। तो motion मैंने बताया, motion delay flowering सही है, motion inhibition of cell division ये भी सही है, इसके अलावा potassium, manganese, copper necrosis बताइए। Question number 21, नेक्रोसिस होती है कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज और पोटेशियम। तो ये मैग्नीशियम, मैग्नीज दिया है यहाँ पर, इसलिए गलत हो जाएगा। बाकी मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन, इनसे क्लोरोसिस भी होती है ना। क्लोरोसिस, मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन तीनों की कमी से होता है। नेक्रोसिस वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट अर्न नोबेल प्राइज इन 1961? 1961 का नोबेल प्राइज किस साइंटिस्ट को दिया गया था? फॉर मैपिंग द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस। 1961 का नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में दिया गया था बेटा, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया था मेल्विन केल्विन को, है ना, केल्विन साइकिल का पता लगाने के लिए, C3 साइकिल का पता लगाने के लिए। ये सब मैंने एक साथ आपको करा है नोबेल प्राइज, चलिए कॉम्बिनेशन मैच करिए। सटन ने क्या बताया था? सटन ने बताया था डिस्कवर्ड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ द हेरिडिटी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन ने क्या लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। वाटसन डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, और फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? A2, B3, C4 एंड D1। तो करेक्ट ऑप्शन D हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल टेक प्लेस थ्रू, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन, ध्यान दीजिएगा 24, बाई डायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करोगे आप? That is phloem. Phloem bidirectional करता है, जाइलम में unidirectional transport होता है। तो correct answer D हो जाएगा। Yellowish edges appear in leaves deficient in। अगर पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं, पत्तियों का जो किनारा होता है उसे एज कहते हैं, अगर पत्तियों के किनारे पीले पड़ने लगते हैं तो इस किसकी कमी से हो रहा है? पत्तियों के किनारे अगर पीले पड़ रहे हैं तो ये किसकी कमी से हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 25, This is due to deficiency of, question number 25, बताइए। हाँ, ये हो रहा है बेटा पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से। येलोइश एजेस अपीयर होते हैं लीफ में पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से, पोटेशियम की डिफिशियंसी की वजह से येलोइश एजेस अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करेक्ट स्टेप आपसे पूछे गए हैं, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहला काम क्या करोगे? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, देन फ्रेगमेंटेशन, देन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, देन लाइगेशन, देन ट्रांसफरिंग, कल्चरिंग एंड एक्सट्रैक्शन। 7 स्टेप होते हैं और ए यहां पर करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर गलत है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, इट रिकॉग्नाइजेज ए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, सही है। इट इज एन एंडोन्यूक्लियेज, ये भी सही है। इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, ये भी सही है।
इट प्रोड्यूसेस द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकेन इन द डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल. नहीं बेटा, डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल में सेम काइंड के स्टिकेन बनाएगा, तो डी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा. रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट लेबलिंग. चलिए देखिए, ये ए दिखाया गया है और ये बी दिखाया गया है, तो ए और बी आपको पहचानने हैं. ये बी है, मैं इधर भी लिख दे रहा हूं, ये बी है. चलिए ए और बी पहचानिए यहां पर. क्वेश्चन नंबर 28, ए क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, समझ में आ रहा है? ये आपको बेस पेयर दिखाई दे रहे हैं और जो बी है सुगर फॉस्फेट बैकबोन. एनसीईआरटी का फिगर, ए बेस पेयर और बी सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 29. अच्छा अमन करें सर, ये सब क्वेश्चन बढ़िया है, यही सब करो, आज से यही कराऊंगा बेटा, ठीक है? जो 12 बजे का सेशन होगा कल से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सारे, ताकि आपके एनसीईआरटी तैयार होती रहे इसके साथ में, और एनटीए वाला मॉक टेस्ट मॉर्निंग में आपका 8 बजे हो जाएगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इससे आपकी एनसीईआरटी अच्छे से तैयार हो जाएगी. अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन इज ह्यूमन प्रोटीन यूज टू ट्रीट इम्फाइसिमा, सही है. इन 1990 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, क्या बताओगे? सही है. अरे ना 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 ना, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन कहां लिखा, अल्फा 1 इंटरफेरॉन लिखा है, तो कैंसर के लिए यूज करते हैं ना, ये गलत है. रोजी काउ 1997 है ना बेटा, ये भी गलत हो गया. ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड फिनाइल किटोनिडिया. ट्रांसजेनिक मॉडल कैंसर के लिए, अल्जाइमर के लिए, रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए बनाए गए हैं, फिनाइल किटोनिडिया के लिए नहीं बनाए गए हैं, तो सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑल ऑफ द वो सब गलत हैं बेटा, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, सारे स्टेटमेंट गलत हैं. कुछ समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे तो, जैसे मैंने गलती की ना, अल्फा 1 इंटरफेरॉन को मैंने अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन पढ़ लिया, ऐसे एग्जाम में आपसे भी गलतियां हो जाएंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 30, क्राई 1, ये तो बहुत बार मैंने करा, क्राई 1 एबी एंड क्राई 2 एबी प्रोड्यूस टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन दैट कंट्रोल, ये तो बहुत बार मैंने करा. क्राई 1 ए बी किसे कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को, क्राई 2 ए बी कॉटन बॉलवर्म को, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ये तो याद हो जाना चाहिए अब तक, ये तो अच्छे से याद हो जाना चाहिए. मैच द कॉलम, चलिए क्राई 1 ए बी फिर आ गया, क्राई 1 ए बी अभी तो कराया, कॉर्न बोरर. यूरिन एनालिसिस कन्वेंशनल मेथड, रोजी का, रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल, एंड क्राई 2 ए बी कॉटन बॉलवर्म, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, A2 B4. चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लियर. 31 का बी हो जाएगा. 32, स्पीड बढ़ाइए बेटा थोड़ा. द फॉर्म ऑफ सुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज, फ्लोएम से जिस सुगर का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सी सुगर है बेटा, पहले तो सुगर का नाम पता होना चाहिए, फिर आप आंसर कर पाओगे. तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है बेटा, सुक्रोज का, और सुक्रोज का एक डाइसैकेराइड है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज पुट फॉरवर्ड बाय, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है लेकिन याद होगा आपको, क्योंकि एनटीए के मॉक टेस्ट में भी आपको कराया गया है. मास फ्लो हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी, मास फ्लो हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, मास फ्लो हाइपोथेसिस दी गई थी मंच नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, करेक्ट आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 34, बेहतरीन सवाल है, आप करिएगा, ठीक है. 34 पहला,
इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर लिंक टुगेदर बाई डाइसल्फाइड ब्रिजेस, सही है? एली लिली एंड इटालियन कंपनी, सही है? नहीं, अमेरिकन कंपनी है बेटा। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियास ऑफ स्लॉटर कैटल एंड डॉग, डॉग था नहीं पिग था ना यहाँ पर। ADA is the enzyme which is crucial for immune system to function, सही है? Transgenic animal that produce useful biological product can be created by the introduction of a portion of DNA, ये भी सही है। तो इसका मतलब है C option हो जाएगा, है ना? Second और third incorrect हो जाएंगे, ठीक है? बोला करो तुम लोग, हाँ नहीं कुछ समझ में आ रहा है या मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ? The enzyme that catalyzes transcription of RNA in eukaryote is. Eukaryote में पूछा, ध्यान दीजिएगा, eukaryote में transcription में कौन सा enzyme involved होता है? DNA dependent, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, RNA polymerase 3. तो eukaryote में RNA polymerase 1 जो होता है rRNA के लिए, 2 होता है mRNA के लिए और 3 होता है tRNA के लिए। तो इसका मतलब तीनों एंजाइम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तीनों तरह के आरएनए को कैटलाइज करता है, लेकिन यूकैरियोट में कम से कम एनसीईआरटी लेता कम से कम तीन आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, ठीक है? अच्छा संदीप कह रहे सर आप पढ़ाए और समझ में ना आया, ऐसा नहीं हो सकता है, वाह क्या बात है, दिल खुश कर देते हो तुम लोग, दिन बना देते हो पूरा है। The beginning of which stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex? Synaptonemal complex का dissolution कहाँ पर होता है? Dissolution of synaptonemal complex. अच्छा लिख सकते बोल, हाँ तो लिखते रहा करो ना, yes sir. हाँ थोड़ा emojis भेज दिया करो तुम लोग, इतनी कंजूसी करते हो फ्री वाले काम में भी, पैसा जहाँ देना पड़ता वहां तो मुझे पता है कि तुम लोग बहुत कंजूस हो। 159 देना है उसमें भी अभी देखो कितने मैसेज आएंगे मेरे पास कि सर उसको फ्री कर दीजिए, इसको फ्री कर दीजिए, है ना? अच्छा रवि कह रहे हैं कि बेस्ट क्वेश्चन आज के सर जी, थैंक यू बेटा, अब ऐसी क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल से, ठीक है? ये सब टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हो बेटा, टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री भी, गंगवार institute.com पे जाके RTS आप फ्री में दे सकते हो, 500 टेस्ट वहां पर अवेलेबल है फ्री में, लेकिन अब इतना टाइम भी तो होना चाहिए, है ना? चलिए तो डिप्लोटीन आंसर हो जाएगा, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का। 37 हीट शॉक मेथड किसके लिए होता है? बैक्टीरिया सेल के लिए। बायोलिस्टिक जीन गनियादा है प्लांट के लिए। सेलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन और माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए करेक्ट ऑप्शन, बस एक मैच करवा लो आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। बेटा एनटीए के 45 क्वेश्चन आज मैंने कराए थे कार्तिकीय, 45 फिर से, ठीक है? परम बेटा बिट्टू ठीक है अब एकदम। मोटिवेशन कितना लोगे बेटा केंद्र प्रकाश? Which of the following process is used for water purification? ये NCERT में नहीं दिया गया। Water purification के लिए कौन सा method use करते हैं? याद करना है आपको, चलिए बताइए। Water purification के लिए कौन सा method use करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। Chemistry में शायद आपको दिया गया। That is reverse osmosis. Reverse osmosis use करते हैं। The three जैसे आप कहते नहीं RO का पानी, अरे आरओ का पानी कोचिंग में आपके लगा हुआ है ना, मैंने लगवाया था, आरओ का पानी आपके घर में लगा होगा कि भाई ये आरओ का पानी, तो आरओ जानते नहीं हो, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा। इतने दिन से आरओ का पानी पी रहे हो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया कि आरओ है क्या, है ना? आरओ कोई एलियन नहीं है, आरओ का मतलब आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है? चलिए अच्छा कलवा करें सर एक कॉमेडी वीडियो बनाइए। अच्छा कॉमेडी वाला वही मैं ब्लूपर्स अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है? तुम लोग के घर में होगा ना, या तुम लोग के घर में बम्बा लगा है हैंडपंप,
कोचिंग मैंने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके बड़ा सा लगवाया है, उतना बड़ा तुम लोगों ने देखा नहीं होगा, है ना। हाँ ये देखो SPM भी बता रहे हैं लगी होती है। हाँ अच्छा सलाद करें, एच फॉर हरिओम सर, एच फॉर हीरो, वाह क्या बात है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ तुम लोग बातें करने में, इतना मजा आती है तुम लोगों को बातें करने में। चलो 39, द थ्री स्ट्रक्चरल फॉर्मूला APNCR गिवन हियर, आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है चलिए बताइए जरा। करें ए एडिनिन नाइट्रोजन बेस, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड एंड एडिनाइलिक एसिड, इससे कुछ लिखा ही नहीं। चलो अच्छा दूसरा देखो, एडिनिन नाइट्रोजन बेस, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड और एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, ये तो सही है ना बेटा, सही है ना। अच्छा इसमें क्या लिखा है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड और एडिनिन नाइट्रोजन बेस, ये क्या है, फिगर भी है क्या, नहीं फिगर भी नहीं। एडिनोसिन, ये भी तो सही है, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड, एडिनाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड, एंटीऑक्सिड नाइलिक एसिड। इसमें मुझे लग रहा कुछ फिगर छूट गया है, क्वेश्चन नंबर 39 मुझे लग रहा फिगर छूट गया है। अच्छा एक सेकंड तुम लोग इंतजार करो, बस एक सेकंड रुकना तुम लोग। मुझे लग रहा है इसमें फिगर कुछ छूट गया है, एक नई फाइल आई उसको मैं जरा ओपन कर लेता हूँ, है ना। फैजान कौन है भाई, ये बहुत ज्यादा खुराफात कर रहा है। जो ज्यादा भौंकेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, हाँ उसको कर दिया बेटा मैंने, तुम लोग पढ़ाई लिखाई के अलावा इतना मन लगता है बाकी कामों में, अरे उसको भगा दिया मैंने बेटा, अब क्या करोगे, अब कुत्ते भौंकेंगे तो क्या करोगे, भौंकने तो दो चार भौंकते हैं, हाँ ब्लॉक कर दिया बेटा, ब्लॉक कर दिया। अरे नई फाइल मैंने ओपन की क्योंकि मुझे लग रहा था कुछ फिगर छूट गया है ना। ठीक है ट्रांजिशंस ये मैंने सेलेक्ट किया, रैंडम यहाँ पे मैंने लगाया टाइम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई टू ऑल, फिर यहाँ स्लाइड शो पे गए, यूज टाइमिंग हटा दिया,
और फिर यहाँ पे गए और क्वेश्चन नंबर कहाँ पे थे हम लोग, 49 के आसपास थे है ना। चलो ये तो काफी पीछे हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड किस क्वेश्चन पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर चलो 39 छोड़ ही दो, 40 पे चलते हैं ठीक है। न्यूक्लियोसोम इज फॉर्म्ड बाय, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। चलो उसको हटा दिया बेटा, पियाजी साहब चले गए, पियाजी साहब चले गए, उनको छोड़ो, डिसलाइक करके भागा होगा तुम लोग, नुकसान करवा देते हो हैं दो चार आईडी बनाया होगा उससे भी डिसलाइक कर देगा तुम लोग, मतलब चलिए। न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्वेश्चन नंबर 40 बेटा, 60 बता रहे हो स्लॉथ बेटा, पहले तो कल वगैरह सीधे दिमाग पे असर हुआ लॉकडाउन का बात तो सही है। क्या होता है, रैपिंग ऑफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऑन पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब, ये हिस्टोन ऑक्टामर है और इसके ऊपर जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप करता है तो इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फिनोमिनन, ये जो फिगर दिया गया कौन सा फिनोमिनन रिप्रेजेंट कर रहा है, पहचानो जरा। तो आसान है, क्वेश्चन नंबर 41, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, दैट इज रेप्लिकेशन बेटा, रेप्लिकेशन आपको दिखाई दे रहा है ना। चलिए रेप्लिकेशन का फिगर है, ए म्यूटेशन दैट इनएक्टिवेट द रेगुलेटरी जीन ऑफ रिप्रेसिबल ऑपेरॉन इन एन ई कोलाई वुड रिजल्ट इन, अगर रेगुलेटरी जीन आपसे कह रहे हैं कि अगर रेगुलेटरी जीन इनएक्टिवेट हो जाए, रेगुलेटरी जीन कौन सा है, आई जीन, रेगुलेटरी जीन अगर ये इनएक्टिवेट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर रेगुलेटरी जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा म्यूटेशन की वजह से तो रिप्रेशर प्रोटीन नहीं बनेगी, और रिप्रेशर अगर नहीं बनेगी तो ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगी, और ऑपरेटर से अगर बाइंड नहीं करेगी तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से बाइंड करेगा और कंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल जीन का होता रहेगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, डी ऑप्शन बेटा, तब इनहिबिशन होगा ही कहां, रेगुलेटरी जीन जब नहीं है तो रिप्रेशर है ही नहीं, और जब रिप्रेशर नहीं तो कंप्लीट इनहिबिशन कैसे हो जाएगा बेटा, कंटिन्यूअस ट्रांसक्रिप्शन होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल है, रट के आप नहीं कर सकते इस तरह के क्वेश्चन। ड्यूरिंग माइटोसिस ER Golgi body and nucleolus reform at disappearance, तो आप जानते हैं इनका disappear कहां पर होते हैं, prophase में, reform फिर से कहां पर बनते हैं, तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, telophase में फिर से बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, mitosis in living organism result in, mitosis से क्या होता है, mitosis का significance जब आप पढ़ते हैं, 11 डिसलाइक करवा दी, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 44, चलो तुम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दो और तुम लोग लाइक करते रहो बस, अब ऐसे कुछ तो रहेंगे, दुनिया इतनी अच्छी थोड़ी हो जाएगी। ग्रोथ इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस के द्वारा सेल रिपेयरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल, तो करेक्ट आंसर ऑल हो जाएगा, दुनिया सारी दुनिया अच्छी थोड़ी बेटा, वरना फिर ये पुलिस और ये सारी चीजें क्यों बनानी पड़ती, इतने लॉ इतने कानून क्यों बनाने पड़ते, अगर सारी दुनिया अच्छी होती ना, इसलिए जरूरत पड़ती बनाने की। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है 45 में। पहला क्या है, डीएनए बींग डबल स्ट्रैंडेड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड फर्दर रजिस्ट चेंजेस बाई इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर, सही है बिल्कुल।
कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट आर लेटर ज्वाइन बाई द एंजाइम डीएनए लाइगेस. कंटिन्यूअसली नहीं बेटा, डिसकंटिन्यूअसली. द प्रमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 3' एंड. नहीं बेटा, प्रमोटर 5' की तरफ होता है. There is 3 DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of RNA in bacteria. Bacteria में एक होता है केवल RNA polymerase. Transcription is a process that have evolved around RNA, indicating that life began around RNA. Transcription नहीं बेटा, translation होगा. Translation RNA के around विकसित हुआ. तो all are incorrect except one. One के अलावा बाकी सारे statement यहाँ पर incorrect हैं. Which of the following statement is wrong about enzyme? Enzyme के लिए कौन सा गलत statement है? Question number 46. Thermal stability is an important quality of those enzymes that are isolated from thermophilicarium. Yes, thermus aquaticus. Enzyme bring down the activation energy, making the transition of substrate to product more easy. बिल्कुल. The activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the secondary structure of the protein. Secondary नहीं बेटा, tertiary structure को अगर change कर देगा तो enzyme की activity affect होगी. Low temperature preserve the enzyme in temporarily inactive state, whereas high temperature destroy enzymatic activity. C incorrect है, बाकी सारे statement यहाँ पर सही हैं. चलिए column match करिए. NEET में तो trend है, इस बार आप देखिए 2019 में 2018 में 15 से 20 क्वेश्चन आप मैच द कॉलम टाइप के आपको मिलते हैं और बहुत सीधे से सवाल होते हैं. चलिए देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ स्फेरोसोम की अगर हम बात करते हैं तो स्फेरोसोम क्या करता है? स्फेरोसोम सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड. डिक्टियोसोम की अगर हम बात करें, गोल्जी बॉडी बेटा, तो ये क्या करेगा? स्टैक ऑफ सिस्टर्नी. पेरोक्सीसोम फोटोरेस्पिरेशन एंड इलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताइए. 48 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया है. चलो 48 पे चलते हैं. इनकरेक्ट बताना. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व इन सिक्रेटरी सेल, बिल्कुल सही. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड आर इंटरचेंजेबल, बिल्कुल. तीन तरह के प्लास्टिड होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. तीनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कोरिलेटेबल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल. स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट है, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा. डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. क्लियर, बाकी तो सही बेटा. सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन को रिलेट नहीं करता है. आप देखो WBC अमीबॉयड होते हैं और अमीबॉयड है इसलिए तो डायपिडेसिस कर सकती है. RBC राउंड और बाइकॉनकेव, क्यों है? बाइकॉनकेव सर्फेस एरिया बढ़ाने के लिए. तो स्ट्रक्चर और फंक्शन कोरिलेट करते हैं. निकेल, बहुत बढ़िया सवाल है. निकेल इज द कंपोनेंट ऑफ, बहुत बढ़िया सवाल है. निकेल किसका कंपोनेंट है यहां पर? वेब कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को में तो मैग्नीशियम हो जाएगा. नाइट्रेट रिडक्टेज मॉलिब्डेनम हो जाएगा. तो यूरिएज बचा, यूरिएज एंजाइम का एक्टिवेटर निकेल होता है, याद कर लीजिएगा. एनसीईआरटी में नहीं दिया गया. केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी फॉर, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती किस लिए? क्वेश्चन नंबर 50 बेटा, रिएक्शन में एनर्जी की जरूरत होती है एक्टिवेशन के लिए. ठीक, एक्टिवेशन के लिए. ऑक्सीडेशन कोई बता रहा है, कोई एंट्रोपी बता रहा है, कोई एंथैल्पी बता रहा है, एक्टिवेशन के लिए चाहिए. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो. कुछ क्वेश्चन बीच बीच में एनटीए टाइप के भी आ रहे हैं ना, जैसे एनटीए में पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 51, चलिए बताइए. 51 में
करेक्ट ऑप्शन। इन 1838 मैथियस स्लाइडेन ए जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल व्हिच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ प्लांट। सही है। द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक हैव ए सेल वॉल। ह्यूमन की सेल में सेल वॉल कहां जाएगी। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज शेप एंड एक्टिविटी। ये भी सही है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। ये भी सही। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर। गलत है। दो ग्रुप में डिवाइड करोगे स्टेनिंग के आधार पर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो करेक्ट कौन सा है, 1, 3 एंड 4, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ समझ में आया। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फिगर को पहचानिए और सही स्टेटमेंट बताइए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। नहीं बेटा, ये एनाफेज में होता है। ये कंडीशन जो आपको दिखाई दे रही है, जानते किस फेज में है, ये प्रोफेज है और अर्ली प्रोफेज है। बिगिनिंग ऑफ प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये मेटाफेज में होगा। हेरिडिटरी मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड, यस, जो क्रोमोसोम में सुलझने शुरू कर दें। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, ये लेट प्रोफेज में होता है। ये फिगर जो है ये अर्ली प्रोफेज का फिगर है, एनसीईआरटी में आपको दिया गया, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा। काजल बेटा बहुत जल्दी आ गया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। द स्पेस लिमिटेड बाई आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आउटर स्पेस लिमिटेड बाई आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। नहीं बेटा, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस लिमिटेड करते हैं उसे स्ट्रोमा कहते हैं। सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल यूजली कंटेनिंग टू स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। स्फेरिकल नहीं होता बेटा, सिलेंड्रिकल होगा यहाँ पर, है ना। एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म इज कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज एंडोस्केलेटन। नहीं बेटा, साइटोस्केलेटन कहते हैं। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाई राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड एज सिस्टर्नी ऑफ गॉल्जी बॉडी बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेज। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो बहुत गलतियां आप करेंगे। When we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool represents। Homogenize का मतलब ग्राइंड करना, मिक्स करना, पीसना। कौन सा एसिड है जानते हैं ना, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड की बात हो रही है ना। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में जब पीसते हैं तो एसिड इन सोलेबल पूल क्या रिप्रेजेंट करता है। एसिड इन सोलेबल पूल किसे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल। एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को एसिड सोलेबल पूल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं उसे एसिड इन सोलेबल पूल या रिटेंटेट रिप्रेजेंट करता है। विच इज नॉट अ लिपिड, इनमें से कौन सी लिपिड नहीं है बताइए, इनमें से कौन सी लिपिड नहीं। वैक्स एंड लेसिथिन, स्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल, माल्टोज, लेसिथिन और घी। तो बेटा माल्टोज की अगर बात करें तो माल्टोज लिपिड नहीं, माल्टोज एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो 55 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 56 पे चलिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। चलिए बताइए। बफरिंग हो रही, अभी ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। सही है। इन प्रोटीन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट अमीनो एसिड एंड राइट एंड रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट अमीनो एसिड। ये भी सही है। इन द फर्स्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल। फर्स्ट अमीनो एसिड इज एन टर्मिनल, तो यही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। सी स्टेटमेंट इन गलत हो जाएगा, है ना। बफरिंग तो नहीं हो रही बेटा, कभी कभी कर रहा है।
अच्छा, ये बेटा YouTube की दिक्कत है इस समय, है ना। YouTube की वजह से जो सेशन है वो 1 घंटे के बाद अपने आप बंद हो जा रहा है। 1 घंटे के बाद सेशन अपने आप वो क्लोज कर दे रहा है। मेल आया है YouTube से कि जो ट्रैफिक इसमें बहुत ज्यादा है YouTube पे, इसलिए 1 घंटे के बाद सेशन वो बंद कर दे रहा है, तो फिर से चालू करना पड़ता है। तुम लोग अपना नेट भी चेक कर लिया करो कभी कभी। हाँ सही चल रहा है ना, मेरे में तो सही चल रहा है। तुम लोग कौन सा फ्री वाला यूज करते हो क्या? हाँ फ्री वाला ऐसे ही चलता है, बफरिंग करेगा वो, पैसा दोगे तो बफरिंग नहीं करेगा। चलो, एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर सिमिलर इन सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट आर प्रेजेंट इन बोथ। ठीक है, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप, करें लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, इनकरेक्ट आंसर आपको बताना 57 में से। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर नाइट्रोजन इन देम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग, तो ये सही है। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव मोर सिलिकॉन देन लिविंग, ये भी सही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव मोर मैग्नीशियम देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, मैग्नीशियम किसमें ज्यादा होगा, मैग्नीशियम ज्यादा होगा इनएनिमेट में, तो ये गलत हो गया। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैज मोर सोडियम देन लिविंग, ये सही, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। मैंने कुछ ऐसे बताया था, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये लिविंग में ज्यादा होते हैं नॉन लिविंग के कंपैरिजन में, है ना। सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, सिलिकॉन, कैल्शियम, ये मैंने बताया था नॉन लिविंग में ज्यादा होते हैं लिविंग के कंपैरिजन में, तो इसका तरीका भी मैंने याद करने के लिए आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट अमीनो एसिड रेजिड्यू N-2, N-2, ये देखिए, ये N-2 आपको दिखाया गया, तो चलो इसके लिए आपको बताना है कि क्या सही स्टेटमेंट है। करेक्ट 58। पहला ऑप्शन दिया है इट इज बेसिक अमीनो एसिड, नहीं बेटा इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, दिस इज एल्कोहलिक अमीनो एसिड, तो ये गलत हो गया। प्रेजेंट इन द एसिड इन सॉल्युबल पूल, अमीनो एसिड है तो एसिड सॉल्युबल पूल में होगी। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मीथेन, हाँ ये सही है, मीथेन का सब्स्टिट्यूएंट, सारी अमीनो एसिड मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। अच्छा मुस्ता कितना मार खाओगे। चलो तो आल कैसे कर रहे हो बेटा, मतलब आल दिखाई दिया तो कुछ पढ़ोगे नहीं है, दिमाग इधर उधर लगा है। फॉलोइंग इज रॉन्गली इमेज, बेटा यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, नाम के आधार पे दोस्ती यारी मत करना, ठीक है, वरना जो एंजल है ना वो एंजल बाद में पता चला कलुआ निकली तो फिर बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, है ना। तुमने जो अपने मन में ख्वाहिशें पाल रखी है ना, सब ख्वाहिशें 1 सेकेंड में चकना चूर हो जाएंगी, है ना। फिर आप आगे तो समझदार ही हो तुम लोग, मुझे कम ही चीजें बतानी पड़ती है, तुम लोग समझ ज्यादा लेते हो, है ना। चलो रॉन्गली मैच बताओ, तो नाम पे मत जाना बेटा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लिपिड, ठीक है ये भी सही है। एडिनोसिन, एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड है, ये भी सही है। ग्वानाइलिक एसिड न्यूक्लिक एसिड, नहीं बेटा ग्वानाइलिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है, और लेसिथिन फास्फोलिपिड तो है ही, तो इनकरेक्ट क्या है सी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, सही है ना। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, हाँ पता चला कि ख्याल तो पकाए थे कि एम्मा वाटसन के, है ना,
प्लान कर रहे थे एम्मा वाटसन के बारे में, और बाद में पता चला रियलिटी की है तो जॉनी लीवर निकला, है ना। तो यहाँ पर जो सेक्स है ना वो भी चेंज हो जाता है, लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। लोग यूट्यूब पे फेसबुक पे अपना लिंग परिवर्तन भी कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे जान नहीं सकते हैं। तो ज्यादा कोई ख्याली पुलाव मत पकाना तुम लोग। और कलवा भाई एंजल प्रिया निकल आई। अच्छा, नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड बेटा। नॉन प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन में ना हो, तो लाइसिन ग्लाइसिन सेरीन ये तो होती, लेकिन गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड गाबा कहते हैं इसको, ये एक नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू कोएंजाइम। टाइटली बाउंड टू कोएंजाइम नहीं बेटा, टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम, ये गलत है। ए नंबर ऑफ, हाँ डीपी देख के भी नहीं, है ना, डीपी देख के भी नहीं। सही बात है। कलवा बाद में काली निकली तब। ये भी बड़ी समस्या है। अच्छा अंकित कह रहे सर यहाँ पर बच्चे अपने मन की बातें आपसे कर लेते हैं, क्लास में नहीं हो पाता। क्लास में बेटा ये सब बातें तुम लोग कहाँ कर पाओगे। बिना डीपी वाले सही है। चलो ए नंबर ऑफ एंजाइम, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ना। रिक्वायर ए नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एट एक्टिव साइट एट एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोवेलेंट बॉन्ड द विद द सब्सट्रेट। कोवेलेंट नहीं, यहां भी कोऑर्डिनेट होगा। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड एनएडीपी कंटेन द विटामिन नियासिन। ये सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। एक तक ने पता चला एंजल निकला है बाबा रामदेव। कुछ भी हो सकता है बेटा। Which of the following stain is used to visualize mitochondria? Mitochondria के लिए कौन सा stain use करते हैं? ये NCERT में नहीं दिया गया, आप याद कर लीजिएगा। मैंने stain वैसे आपको बताया special surprise session में, है ना? Mitochondria के लिए कौन सा stain use करते हैं? Janus Green P का use करते हैं। Tonoplastic differentially permeable membrane surround। Tonoplast की अगर हम बात करते हैं तो tonoplast किसकी membrane है? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 63। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। द फॉलोइंग फिगर प्रेजेंट इन, चलो इस फिगर को पहचानो, फिगर कहां पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 64। द फॉलोइंग फिगर इज प्रेजेंट इन, तो ये बेटा ऑक्सीसोम एफ नॉट और एफ1 पार्टिकल आपको दिखाया गया है ना, एफ नॉट एफ1, तो फिगर कहां पर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म में क्यों करे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा ना। 64। चलिए 65 पे चलिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। द मॉलिक्यूल इन द सॉल्युबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक, नहीं बेटा सॉल्युबल में पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं होते हैं। इन ए न्यूक्लिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू 5', ये 5' लिखा है। कार्बन ऑफ वन सुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 3' कार्बन ऑफ द सुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो बेटा जहां पर यहां पर 5 है यहां 3 होना चाहिए और 3 वाले की जगह 5 होना चाहिए। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड
फॉर्म्ड बिटवीन टू कार्बन एटम और टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। ये सही स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 66। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। चलिए मैच करिए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जरा करिए। सिक्सटी सिक्स मैच करना है आपको जाइगोटिन। जाइगोटिन किससे मैच करोगे? जाइगोटिन में पेयरिंग होगी सिनेप्सिस। एनाफेज टू में क्या होगा? एनाफेज टू में साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। टिप्लोटिन में क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। एनाफेज वन में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 67 पे चलते हैं। Which is incorrect about meiosis? Meiosis के लिए कौन सा incorrect statement? 67। पहला, meiosis involved two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis one and meiosis two, but only a single cycle of DNA replication. सही है? Meiosis one is initiated after parental chromosome have replicated to produce the produce sister chromatid at the S phase. ये भी सही है, ठीक है? Meiosis involve pairing of non-homologous chromosome and recombination between them. Pairing of homologous chromosome, तो C option यहाँ पर incorrect हो जाएगा। Question number 68. How many equational division are required in a cell of human cheek to produce 256 cell? Equational मतलब mitosis की बात कर रहा है। तो बेटा एक cell अगर हमारे पास है तो इससे दो cell बनाओगे, एक mitosis के बाद, दूसरी mitosis के बाद चार, तीसरी के बाद आठ, चौथी माइटोसिस के बाद 16, पांचवी माइटोसिस के बाद 32, छठी माइटोसिस के बाद 64, सातवीं के बाद 128 और आठवीं माइटोसिस के बाद कितने बन जाएंगे? 256। तो अगर 256 सेल आपको बनानी माइटोसिस के दौरान तो कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे? 8। कोई फॉर्मूला मत लगाना, ऐसे मैंने बताया 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। एप्रोप्रिएट ऑप्शन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। चलिए बताइए एप्रोप्रिएट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। चलिए, ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। सही है। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग द जी1 फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन। नहीं बेटा, एस फेज में होता है। प्रोफेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलो जैसे जी2 फेज ऑफ इंटरफेज। सही है। The completion of prophase can be marked by initiation of assembly of mitotic spindle, the microtubule, the proteinaceous component of cell cytoplasm help in the process. ये भी सही है। Centromere serve as the site of attachment of spindle fiber. Centromere नहीं बेटा, kinetochore is the site of attachment. तो all are correct except 2 and 5. Correct option क्या निकला? B निकला। Very good, बहुत अच्छा करो बेटा आप सब। इन्फेक्शन इन सोयाबीन इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया विच इज। सोयाबीन क्या है बेटा? एक फेबेसी का लेग्यूमिनस प्लांट है। तो लेग्यूम प्लांट में जो नोड्यूल के अंदर बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया का सेप आपसे पूछा गया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया कैसा होता है। एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम या विब्रियम, किस सेप में होता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूम प्लांट में पाया जाता है, इसमें इसका सेप कैसा होता है? बैसिलस मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया, इट रॉड सेप बैक्टीरिया, ये रॉड सेप का बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 71। द मिडिल लैमिला इज, मिडिल लैमिला क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है द मिडिल लैमिला इज ए लेयर विच होल्ड द डिफरेंट नेबरिंग सेल टूगेदर, जो दो पड़ोसी सेल को जोड़ने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हेल्प इन द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। देखिए, फास्फोराइलेशन का मतलब एटीपी सिंथेसिस। अब एटीपी सिंथेसिस तो दो जगह पर होती है, एक क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीडेटिव एक होता है फोटो फास्फोराइलेशन। फोटो मतलब जहां लाइट एनर्जी का यूज होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होगा। ऑक्सीडेटिव जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी का यूज होगा, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। अब मैंने कहा एटीपी सिंथेसिस, तो तुम लोगों ने बोथ कर दिया ऑप्शन। बेटा ऑक्सीडेटिव पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नालायकों, इतनी कॉपी तो और कोई नहीं करता है दुनिया में जितनी तुम लोग तुरंत करते हो।
डीएनए रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए मल्टीप्लिकेशन को डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट, पिरिमिडीन बेस प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमिन ऑफ डीएनए। तो पिरिमिडीन बेस कौन से होते हैं? प्यूरिन कौन सा होता है? एडिनिन और ग्वानिन जो होते हैं प्यूरिन होते हैं। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो होते हैं ये पिरिमिडीन बेस होते हैं। तो डीएनए में थायमिन होता है और यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, स्पीड बढ़ाओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस? इसे मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। दिस इज एक्टेड मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सही है। लोडिंग ऑफ सुगर इन टू लिविंग फ्लोएम सीओ ट्यूब सेल टेक प्लेस बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, लोडिंग ऑफ सुगर इन द सोर्स प्रोड्यूसेस ए हाइपरटोनिक कंडीशन इन फ्लोएम। सही है। एट द सिंक ऑस्मोसिस इज नेसेसरी टू मूव द सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द सेल। ऑस्मोसिस इज नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी। चाहे लोडिंग हो और चाहे अनलोडिंग हो, दोनों के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, चलिए ये फिगर आपको दिए गए हैं ए बी सी और डी, अब इनको मैच करिए। प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। ईलोफेज नहीं, दैट इज टीलोफेज। क्वेश्चन नंबर 76, चलिए मैच करिए। ये क्या दिखाई दे रहा है? ए वाला जो फेज आपको दिखाई दे रहा है, अच्छा सी को तो पहचान ले रहे होगे ना। सी जो आपको दिखाई दे रही फेज यहां पर, ये तो कंफर्म है कि मेटा फेज ही है, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटर पे लाइन है, मेटा फेज वन है ये। ठीक है, फिर आप देखिए जो ये वाली कंडीशन आपको दिखाई दे रही, इस कंडीशन में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असेंबल दिखाई दे रही, तो इसका मतलब ये टीलोफेज स्टेज हो जाएगी, है ना, ये टीलोफेज स्टेज हो जाएगी। यहां पर ये वाली स्टेज आपको जो दिखाई दे रही ये प्रोफेज हो जाएगी, यहाँ पर प्रोफेज वन। तो बाकी जो बची है वो क्या हो जाएगी? एनाफेज वन हो जाएगी, क्योंकि अपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम का मूवमेंट हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा? सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलना है ना, चलो 77 पे आ गए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, वाटर पोटेंशियल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ वाटर। सही है। वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट लो वाटर पोटेंशियल टू हायर वाटर पोटेंशियल। नहीं बेटा, वाटर का मूवमेंट हमेशा हाई से लो की तरफ होता है, हाई से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ होता है। तो बी ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मोलिसिस इज इनकरेक्ट। प्लाज्मोलिसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपसे पूछा गया है? चलिए देखते हैं। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक। बिल्कुल सही है। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन साइटोप्लाज्म इट इज हाइपोटोनिक। ये भी सही है। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड इज हाइपोटोनिक। ये भी सही है। सेल स्वेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड श्रिंक इन हाइपोटोनिक, ये गलत है। सेल स्वेल इन हाइपोटोनिक एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन 100 ग्राम अमीनो एसिड, नहीं 100 ग्राम कहां से आ गया, इन 100 अमीनो एसिड सिक्वेंस इफ द कोडॉन फॉर 47th अमीनो एसिड गेट म्यूटेटेड टू यूजीए देन। 47th नंबर पे जो कोडॉन था वो यूजीए में चेंज हो गया, मतलब स्टॉप कोडॉन में। और अगर 47th नंबर पे स्टॉप कोडॉन आ गया तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और इस कंडीशन में पॉलीपेप्टाइड ऑफ 46 अमीनो एसिड इज फॉर्म। तो 46 अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 80, अमंग द नाइट्रोजन बेसिस इन्वॉल्व इन आरएनए फॉर्मेशन द सिंगल रिंग बेसिस, सिंगल रिंग बेस कौन सा है? बेटा देखिए, जो प्यूरीन होते हैं, है ना, प्यूरीन की अगर हम बात करें तो प्यूरीन होते हैं डबल रिंग, प्यूरीन डबल रिंग होते हैं। और जो पिरिमिडीन होते हैं, पिरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल रिंग। तो आप देखिए एडिनिन और ग्वानिन क्या है, ये तो प्यूरीन हो जाएंगे, और थायमिन और यूरेसिल क्या है, पिरिमिडीन हो जाएंगे।
तो आपसे कहा है सिंगल रिंग, तो सिंगल रिंग तो थायमिन और यूरेसिल दोनों है, लेकिन आपसे पूछा है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए का सिंगल रिंग है, तो थायमिन तो आरएनए में होता नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लियर। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। सही है। न्यूमेरिकली ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, बट द साइन इज सेम। नहीं बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकली बराबर, साइन अपोजिट होगा। प्लाज्मोलिसिस अकर व्हेन वाटर मूव इनटू सेल। नहीं बेटा, आउट ऑफ सेल होगा, है ना, इनटू नहीं आउट होगा। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क और इन मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉइंट। ये सही है। ए माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ ए फंगस विद रूट सिस्टम। ये भी सही है। तो ऑल आर क्या हो जाएगा आंसर यहां पर, ऑल आर अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81 में ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट वन, वन फोर एंड फाइव, वन फोर एंड फाइव। हाँ, इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसको मैं ऐसा करता हूं कि ऑल आर इनकरेक्ट एक्सेप्ट, इसमें वन ही तो बढ़ाना है ना, इस ऑप्शन में अगर वन बढ़ा दिया जाए, फोर फाइव तो लिखा ही है, इस ऑप्शन में मैं केवल वन बढ़ा देता हूं, है ना, एंड वन, वन फोर फाइव को छोड़ के बाकी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट, तो डी हो जाएगा। ठीक, हाँ, ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, छोटा लिखा लेकिन दिखाई तो दे रहा होगा ना, दिखाई तो दे रहा होगा तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं कि दिखने में दिक्कत होगी। द एनएरोबिक कंडीशन फॉर द नाइट्रोजिनस एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम हैव बीन प्रोवाइडेड बाय। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को काम करने के लिए एनरोबिक कंडीशन चाहिए होती है, और एनरोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है, एनरोबिक कंडीशन कौन प्रोवाइड करता है। हाँ, ये तो करेक्ट की जगह इनकरेक्ट की जगह करेक्ट कर दिया जाए तब भी सही हो जाएगा। तो ये लेगुमिनस हीमोग्लोबिन, जिसे हम कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन, ये प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 83, विच टेक्निक इज रूटीनली यूज टू चेक एच आई वी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट में रूटीन टेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं। बेटा, जो एलाइजा होता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, दिस इज डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एड्स। रूटीन टेस्ट अगर पूछा जाएगा तो पीसीआर इज द रूटीन टेस्ट एनसीआरटी में आपको दिया गया, एलाइजा मत करना इसमें, ठीक है। जीएम बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया फॉर जीएम, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल हमारे देश में डेवलप किया गया, किस लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए, चाहे बीटी कॉटन हो चाहे बीटी ब्रिंजल हो। इन गिवन फिगर विच टाइप ऑफ नाइट्रोजन पूल इज और प्रेजेंट, करें इस फिगर में नाइट्रोजन पूल कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पूल, सोयल नाइट्रोजन पूल या बायोमास नाइट्रोजन पूल। ये देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन पूल दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा अगर आप इस पूल की बात करोगे, ये वाला जो पूल है ये सोयल, मैंने फिगर से हटा दिए, आप एनसीईआरटी में देखना, ये सोयल नाइट्रोजन पूल है। और ये देखिए जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या हो जाएगा, That is biomass nitrogen pool. तो इस फिगर में तीनों तरह के पूल हैं, और ये बात एनसीईआरटी ने अपने फिगर में लिखी है, लैंग्वेज में तीन तरह के नाइट्रोजन पूल होते हैं। पूल का मतलब जहां पर नाइट्रोजन मौजूद होता है, दैट इज एटमोस्फेरिक, सोयल एंड द बायोमास। क्वेश्चन नंबर 86, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए, क्वेश्चन नंबर 86, केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपीएच। सही है। रीजनरेशन ऑफ CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल इफ द केल्विन साइकिल इज टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। ये भी सही है। इन C3 प्लांट सम ऑक्सीजन डस बाइंड विद रूबिस्को एंड हेंस
CO2 fixation is decreased, that is photorespiration. In C2 plant, photorespiration does not occur. C4 यहाँ होगा. In C4 plant, photorespiration does not occur. ये भी सही है. There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rate and low light intensity. ये भी सही. तो all statement are correct. सारे statement यहाँ पर सही है, कोई भी गलत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 87. इन बैक्टीरिया विच स्ट्रक्चर इज यूज टू मॉनिटर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस विद फॉरेन डीएनए. कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसफॉर्मेशन, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है. कौन सा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में मॉनिटर करता है ट्रांसफॉर्मेशन को? तो बेटा इसके लिए आंसर होता है प्लाज्मिड. लेकिन प्लाज्मिड आपको ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मतलब प्लाज्मिड ही होता है. प्लास्टिड मत करना है. देखो डी आंसर काफी बच्चों ने कर भी दिया है. प्लास्टिड नहीं करना बेटा, प्लास्टिड अलग है. आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक वाज अडॉप्टेड फॉर टोबैको रूट टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन ऑफ. आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का यूज किसके किससे बचाव के लिए करते हैं? ए मेंबर ऑफ राउंडवर्म या ए निमेटोड. और जो निमेटोड होता बेटा वो राउंडवर्म का ही मेंबर है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया. मेलोडीगाइन इनकॉग्निशिया राउंडवर्म है और राउंडवर्म निमेटोडा के मेंबर को कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन डी करोगे बेटा. चार ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में गलत भी हो जाएगा. मैच द कॉलम. कॉलम तो थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, इसको छोड़ दीजिए. 89 पूरा क्वेश्चन नहीं आया है. चलिए 90 क्वेश्चन थे बेटा, इसमें आखिरी के दो क्वेश्चन सही नहीं आए. ठीक है, तो अब हम लोग कल मिलेंगे. ठीक है, कल आज एनटीए का जो मॉक टेस्ट में करा रहा था बेटा, उसके केवल 45 क्वेश्चन हो पाए थे क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन थे. तो जो बाकी 45 क्वेश्चन है कल 8 बजे मॉर्निंग में कराए जाएंगे. ठीक है, 8 बजे सुबह उठने की आदत डालो बच्चों. ठीक है, ये काम आएगा तुम्हारे. और फिर 12 बजे तो आप जानते हो, 12 बजे मैं आपको 90 क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, रेवोल्यूशन टेस्ट सीरीज के. और ये क्वेश्चन मेनली एनसीईआरटी बेस में, कुछ क्वेश्चन बीच बीच में बाकी एनसीईआरटी बेस हैं. ठीक है, तो और कोई अगर बात है तो आप बता सकते हो जल्दी से, है ना. ये दो सेशन तो हो ही रहे हैं आपके लगातार. एंड थैंक यू सो मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए. और 159 वाला जो ज्वाइन करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया यूट्यूब पे, है ना, इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी मैं फिर से आपको बता देता हूँ. इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, एनटीए मॉक टेस्ट. फिजिक्स एनटीए मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा. इसमें आपको मिल जाएगा बायो का जो बचा हुआ क्रैश कोर्स है, बायोलॉजी क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा इसमें. इसके अलावा बायो में बायोलॉजी एनटीए का मैं आपको करा रहा हूँ बेटा चैप्टर. ये तो आपको मैं करा रहा हूँ पेपर वाइज, लेकिन इसका चैप्टर वाइज भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि हर चैप्टर के जो बढ़िया क्वेश्चन हो, 20-25-30 क्वेश्चन, वो आपको मैं करा दूँ यहाँ पर. तो हमारे पास 38 चैप्टर हैं, तो अगले 50 दिन में ये 38 चैप्टर में आपको चैप्टर वाइज करा सकता हूँ. ठीक है, अच्छा 14 गुब्रेले हो गए, चलो कोई बात नहीं. अच्छा, अब जो बच्चों जिन बच्चों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है, या तो उन्होंने फिजिक्स का ज्वाइन कर रखा है पहले से, या उन्होंने पीसीबी कंप्लीट ज्वाइन कर रखा है. अगर उन्होंने पीसीबी या फिजिक्स में से कोई भी ज्वाइन कर रखा है, तो फिजिक्स एनटीए मॉक टेस्ट, क्योंकि मैंने कराने के लिए पहले ही बोला था, तो उनको फिजिक्स वाला एनटीए मॉक टेस्ट मिल जाएगा उसके साथ ही. अगर आपने फिजिक्स या पीसीबी में से कोई भी ज्वाइन कर रखा है, तो आपको फिजिक्स का एनटीए मॉक टेस्ट उसके साथ ही मिल जाएगा. ठीक है, ओके. नहीं, अगर एक दो को ब्लॉक कर दो तो ऐसी दिक्कत तो होती है ना, फिर वो 10 लोगों को, या कई लोग कई आईडी बनाए रहते हैं ना. मेंटी बेटा, मेंटी अब देखो नेट की ही ऐसी दिक्कत है देखो बच्चों के पास में, है ना, और यूट्यूब भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है थोड़ा सा, है ना, ज्यादा उसके पास भी डेटा पहुंच रहा है.
ज्वाइन करने के लिए बेटा YouTube पे एक लिंक है ना, YouTube में जहाँ पे सब्सक्राइब करते हो उसके बगल में एक ज्वाइन का ऑप्शन दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हो या neetbooster.com पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? या फिर रविकांत से बात कर लेना, है ना, या रविकांत से आप बात कर सकते हो, रविकांत का नंबर मैं दे दे रहा हूँ, आसान वाला नंबर दे दे रहा हूँ आपको, है ना, रविकांत का मैं आसान वाला नंबर आपको दे दे रहा हूँ। ये वाला नंबर आसान है, देखो 8960582582, ये तो आसान है ना, सब में 582 582 आ रहा है, 8960582582 इस नंबर पे आप कॉल, ये देखो नीचे दिया भी गया है neetbooster.com, है ना, एंड कॉल नाउ 8960582582। तो अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो फिर ये काम कर सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। इस जो 159 रुपीज है बेटा, इस 159 रुपीज से आप चॉकलेट खा सकते हो, बर्गर खा सकते हो, पिज्जा तो मिलेगा नहीं इतने में, है ना, अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट भी आपको नहीं मिल पाएगी, तो चाहो तो इससे कुछ खा पी लो, या चाहो तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो, ठीक है? लाहौर, तो अब बेटे 161 से नीचे का ऑप्शन यूट्यूब पे नहीं, अगर यूट्यूब पे 59 रुपीज का ऑप्शन होता है, 49 का होता तो मैं वो भी दे देता आपको, लेकिन इससे कम का कोई ऑप्शन नहीं होता है, मतलब इसके इससे कम वो समझता है कि आप गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, तो इससे छोटा वो ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक, ये मिनिमम ऑप्शन है। तो मोहित कह रहे हैं कि सर एनसीईआरटी टेबलेट बुक कैसे ज्वाइन कैसे बाई करें। एनसीईआरटी टेबलेट बेटा अमेजोन से आप परचेस कर लो, अमेजन या फ्लिपकार्ट दोनों पे, ठीक, नहीं होगा तो आप कांटेक्ट कर लेना। कांटेक्ट कहाँ पे करोगे उसके लिए भी नंबर मैं दे दूं, नेपाली भी है कोई क्या, यहाँ नेपाल वाले बच्चे नीट देते हैं क्या, नेपाली बच्चे भी नहीं देते हैं। एनसीईआरटी टैबलेट के लिए मैं आपको एक नंबर दे दे रहा हूँ, ये है 9076582582, ये बुक परचेस करने के लिए, ठीक है? गंगवारinstitute.com पे कोई भी सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे, और neetbooster.com पे कोई सपोर्ट चाहिए तो इस नंबर पे, ठीक है? चलो बेटा, कोई अकाउंट नहीं तो आप पेटीएम भी कर सकते हो, बाकी ऑप्शन है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉडकास्ट के लिए भी मैं पॉडकास्ट के लिए फिर मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक, पॉडकास्ट भी मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, परेशान मत हो, करूंगा मैं। तो लाहौर से कोई बच्चा पढ़ रहा है क्या यहाँ पर? एजाज अहमद, बेटा यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, बचा हुआ क्रैश कोर्स तुम लोग क्या सुनते हो, यही तो मैं बता रहा हूँ इतनी देर से, ये देखो यह क्या लिखा, बायोलॉजी क्रैश कोर्स ही तो लिखा हुआ है, जो बचा हुआ क्रैश कोर्स है वो इसी में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, इसी में बचा हुआ क्रैश कोर्स मिल जाएगा। समझ गए सब लोग, अब इससे ज्यादा हिंदी में बता नहीं सकता हूँ, ठीक है, एक अलग से वीडियो में बना के बता दूंगा, बाकी हम लोग कल मिलेंगे बच्चों, ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो अच्छी तरीके से, ओके। और कोई मुझे नहीं लग रहा, अच्छा अमेजिंग फैक्ट लाहौर से, अरे बेटा ऐसे कैसे, कोई कहीं से भी कह दे, कोई कहते हम लंदन से हैं, हाँ चलो, तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है, और मैंने आपको वर्कबुक और डीपीपी दे ही दिया है, वो आपने देख ही लिया होगा, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू बच्चों।